गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें अ लेटर टू गॉड नाम का जो लेसन है उसको अच्छे से समझा था। लेंचो नाम के किसान की एक स्टोरी थी इसके अंतर्गत, और आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें जो पार्ट में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आप आंसर फाइंड आउट करो। और चलिए आज अपन क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, वो किस चीज़ के लिए आशा कर रहा था। आंसर सिंपल है, लेंचो होप्ड फॉर रेन। वो किसकी आशा कर रहा था? बारिश होने की आशा कर रहा था। यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो कैसी हैं? नए सिक्कों की तरह है। उसने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की? नए सिक्कों से की। तो ऐसा क्यों लेंचो ने कहा? आंसर देखें, लेंचोस क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। जो लेंचो की जो फसल थी वो कैसी थी? हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुकी थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। और जो रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंदें थी, वो किस चीज़ में मदद करती? उसकी अच्छी खेती होने में मदद करती। मतलब वो जो बारिश की बूंदें थी उस क्रॉप की, जो क्रॉप थी उसको अच्छे से ग्रो करने में और अच्छी हार्वेस्ट देने में मदद करती। मोर प्रॉस्पेरिटी, जब वो ज़्यादा फसल होती तो उससे वो ज़्यादा पैसे कमाता, तो प्रॉस्पेरिटी यानी ज़्यादा समृद्धता आती उसके घर में। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन्स। इसलिए लेंचो ने क्या किया? उस बारिश की बूंदों की तुलना किससे की? नए सिक्कों से की, कि जो बारिश की बूंदें हैं उससे मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, उससे मुझे अच्छे पैसे प्राप्त होंगे, तो मेरे घर में समृद्धता आएगी। और उसने इन सिक्कों, इन बारिश की बूंदों को न्यू रेन ड्रॉप्स या न्यू कॉइन्स का नाम दिया। नेक्स्ट देखें बच्चों, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। अब अचानक से जो बारिश हुई इसमें क्या बदलाव आया और लेंचो के खेतों में क्या हुआ? आंसर, द रेन वॉज पोरिंग बट सडनली, बारिश तो हो ही रही थी, बट सडनली यानी अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। लेकिन अचानक से क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलना चालू हो जाती हैं और बड़े बड़े जो ओले रहते हैं यानी हेल स्टोन रहते हैं वो बारिश के साथ नीचे गिरने लगते हैं। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब लेंचो को कैसा लगा जब वो सारे हेल स्टोन ओलावृष्टि बंद हुई, तब लेंचो ने क्या अनुभव किया? आफ्टर हेल स्टॉप्ड लेंचोज वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, ही कुड सी अ ब्लैक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। यहाँ पर ब्लैक की स्पेलिंग आप सही कर लेना, BLACK। अब यहाँ देखें कि लेंचो को क्या लगा जब वो ओलावृष्टि बंद हुई, तो लेंचो कैसा हो गया? उदासी से भर गया, उसमें बहुत उदास हो गया और उसको ऐसा लगा कि उसका जो, उसका और उसके जो परिवार का जो भविष्य है वो कैसा है, बिल्कुल काला नज़र आ रहा था। मतलब कोई होप नज़र नहीं आ रही थी। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, और उसको इस बात की भी चिंता हो रही थी कि यदि उसकी फसल नष्ट हो गई है तो उसके बाद वो पूरे साल भर किस प्रकार से खाने का इंतजाम करेगा, साल भर उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, व्हाट डिड ही डू। लेंचो किस पर विश्वास करता था और उसने क्या किया? आपको अच्छे से याद होगा ये वाला आंसर देखें, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का किस पे भरोसा था? ईश्वर पर बहुत भरोसा था। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आइज सी एवरीथिंग, उसका भरोसा था, उसका विश्वास था कि ईश्वर की जो आँखें हैं वो हर चीज़ देखती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस। इसके अर्थात
सब देखने के बाद भी वो उतने गहरे भी देख लेती हैं कि प्रत्येक के अंदर क्या चल रहा है, उसके अचेतन मन में, अवचेतन मस्तिष्क में क्या चल रहा, वो भी ईश्वर देख लेता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट, उसने भगवान को पत्र लिखा और उसमें क्या बोला, ही नीडेड 100 पैसोस टू सॉ हिज फील्ड अगेन, उसको 100 यानी 100 पैसोस की आवश्यकता है जिससे कि वो अपने खेतों में फिर से फसल की बुआई कर सके और आगे काम कर सके। नेक्स्ट देखें, हु रीड द लेटर, अब लेंचो इस पत्र को लिखता है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हु रीड द लेटर, इस पत्र को कौन पढ़ता है। आंसर, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, वहाँ जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर रहता है वो लेंचो के इस पत्र को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब उस पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है, अर्थात मतलब इतने विश्वास से लेंचो जो पत्र लिख रहा है ईश्वर को, उस ईश्वर के नाम के लिए पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, अब वो पोस्ट मास्टर क्या करता है उसके आगे। आंसर देखें, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लॉफ्ट, सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर जैसे ही भगवान को पत्र को देखता है तो उसको हंसी आ जाती है, हंसता है कि अरे भगवान को पत्र कौन लिख सकता है। बट देन ही बिकम सीरियस, कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। क्यों होता है, ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, क्योंकि वो जो लिखने वाले का जो भरोसा है ईश्वर के ऊपर, उससे उसको बहुत अंदर तक उसकी वो बातें उसको अंदर छू जाती हैं, हृदय स्पर्श कर जाती हैं कि ऐसा फेथ ईश्वर के प्रति के लोग ईश्वर को पत्र लिख रहे हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, अब वो नहीं चाहता कि वो पत्र मतलब फेंक दे या कुछ कर दे और उसको दोबारा उसका उत्तर भी ना मिले, तो जो लिखने वाला है उसका जो विश्वास है वो कैसा हो जाएगा, ईश्वर के प्रति हिल जाएगा। तो वो नहीं चाहता था कि उसका लिखने वाले का विश्वास ईश्वर से अलग हो पाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, तो इसलिए उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो उतने पैसों के इकट्ठा करेगा और कहाँ दे देगा, सेंड इट टू लेंचो, मतलब जिसने पत्र लिखा लेंचो ने उसको वो पैसे दे देगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें बच्चों, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या जैसे ही लेंचो को पत्र प्राप्त हुआ और उसके अंदर पैसे थे तो क्या उससे उसको आश्चर्य हुआ, वो आश्चर्यचकित हुआ क्या कि भगवान ने मुझे पैसे भेजे, देखो उसको आश्चर्य हो। आंसर देखें, नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट, नहीं लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों, जैसे ही उसने लेटर देखा, भगवान का पत्र देखा और पैसे उसके अंदर रखे देखे, तो लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आश्चर्य, अगर हम और आप ऐसे काम करें तो हमें लगेगा अरे वाह भगवान ने हमें पत्र लिखा, क्या बात है, भगवान ने हमें पैसे भेजे, क्या बात है। तो उसका आंसर क्या है, हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड द लेटर फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसका जो विश्वास था उस पर, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो सब कैसे थे, इतना था क्योंकि उसको बिल्कुल आशा थी 100% कि नहीं मैं भगवान को पत्र लिखूंगा और मुझे पैसा भी प्राप्त उनसे होगा। इसलिए उसका कॉन्फिडेंस और जो फेथ था उसने, उसके कारण लेंचो जरा भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। नेक्स्ट देखें, व्हाट मेड हिम एंग्री, अब किस बात ने लेंचो को गुस्सा दिला दिया, किस चीज़ से लेंचो गुस्सा हो गया। आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा कि कितने पैसे भेजे गए थे और कितने पैसे की डिमांड लेंचो ने की और अब वो किस बात पे गुस्सा हो गया। तो आंसर देखें, व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जैसे ही उसने पैसों को गिन के फुर्सत हुआ, मतलब जब उसने जितने पैसे आए उसने फटफट पैसे गिने, ही फाउंड ओनली 70 पैसोस, तो उसने कितने पैसे देखे, 70 पैसों देखे, जबकि बट ही डिमांडेड 100 पैसोस, लेकिन उसने किस चीज़ की डिमांड की थी, कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसोस मांगे थे और उसको मिले कितने, 70। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक नॉट डिनाई हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि उसको इतना विश्वास था कि ईश्वर तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो जो उसने मांगा है उसको देने को मना कर सकते, मतलब ईश्वर पैसे गिनने में गलती नहीं कर सकते और जो लेंचो ने उनसे मांगा उसको देने के लिए भी मना नहीं कर सकते। देयरफोर ही कंक्लूडेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसों, इसलिए उसने तुरंत
निर्णय किया, निश्चय किया, उसका पूरा निकाला कंक्लूजन क्या निकाला कि नहीं नहीं मैंने तो गॉड से 100 पैसोस मांगे थे, गॉड ने पक्का 100 पैसोस दिए होंगे, लेकिन इसमें से 30 पैसों जो हैं, मतलब 30 पैसोस जो हैं वो कौन निकाले होंगे, पक्का ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनने निकाल लिए होंगे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें ये सारे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, मतलब किस चीज़ ने लेंचो को एंग्री या गुस्से में लाया। तो आप लिख सकते हैं कि जब उसने पैसे काउंट करना चालू किए तो वहाँ पर उसको 70 पैसोस मिले, जबकि उसने डिमांड की थी 100 पैसोस की। उसको ये विश्वास था कि ईश्वर जो है ना ही पैसे गिनने में गलती करेंगे और ना ही उसको देने से मना करेंगे। तो ये जो गलती जो बीच में जो कार्यक्रम ये वाला हुआ पैसे कम होने का, पक्के से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने इसमें से पैसे निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। अब क्या बोलता है, सॉरी, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। क्या लेंचो वास्तव में उसने कोशिश की कि ये पैसा किसने उसको भेजा है, क्यों और क्यों नहीं। आंसर देखें, नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। नहीं, लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि किसने उसके लिए ये पैसे भेजे हैं। दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा महानतम भरोसा था, किस पर था, ईश्वर पे था, एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। और उसने बिल्कुल भी शंका नहीं की कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर की जगह कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता जो उसके लिए पैसे भेज रहा हो। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंड हिम द मनी। उसका जो ईश्वर पर भरोसा था बहुत ज़्यादा था, बहुत बढ़िया स्ट्रांग था, और इसके कारण उसका हमेशा बिलीव था कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसी ने ही उनको पैसे भेजे हैं। मतलब कितना इनोसेंट भी था लेंचो। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर हमारे अ लेटर टू गॉड चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले चैप्टर करेंगे, तब तक आप इन्हें अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट करें, उसको बार बार रिवाइज करें।